तो ये कहानी है स्पाइडरमैन की। जब स्पाइडी 20 साल के थे तब वो अपने बाप के साथ मिलकर पार्कर इंडस्ट्री पे मिलिट्री के लिए हथियार बनाता था। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट के दौरान पीटर पार्कर के बाप मर जाते हैं और जिसके बाद वो पूरा पार्कर इंडस्ट्री के जिम्मेदार खुद के ऊपर लेता है और उसको इस पार्कर इंडस्ट्री को संभालने के लिए उसके बाप के बिजनेसमैन पार्टनर मिस्टर ऑसबॉर्न उसको मदद करता है। पीटर पार्कर बैटलफील्ड में जाया करता था और अपने मिलिट्री आर्मियों को नया नया हथियार देता था। फिर एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था पर तभी आतंकवादी उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब पीटर पार्कर जागता है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं जहाँ पे डॉक्टर नीट लीडर्स उसको इलाज कर रहा होता है। पीटर पार्कर बेड से उठता है और तभी वो सामने आतंकवादियों को देखता है और जिसको देख के वो समझ जाता है कि वो और डॉक्टर नीट लीडर्स आतंकवादियों के कब्जे में है। और फिर उस आतंकवादी स्पाइडी को एक पॉइजन दिखा के बोलता है, इस पॉइजन से हम गोब्लिन मिसाइल बनाएंगे और तेरे देश को उड़ा देंगे। और यह बोल के वो लोग वहाँ से चला जाते हैं और फिर डॉक्टर नीट लीडर्स की मदद से पीटर पार्कर एक पावरफुल आर्मर बनाने लगता है ताकि वो लोग वहाँ से निकल पाए और अपने देश को बचा पाए। और वो दोनों सूट बना ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक स्पाइडर आ जाते हैं और जिसको देख के डॉक्टर नीट लीडर्स काफी डर जाते हैं। पर पीटर उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है इस स्पाइडर के मदद से ही हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और जिसके बाद पीटर उस स्पाइडर को लेकर सारे रात में एक पावरफुल आर्मर बनाने लग जाता है और फाइनली वो उस आर्मर को बना भी लेता है। और फिर उसके अगले दिन में जब आतंकवादी उनके केज में आते हैं उनको चेक करने के लिए और तभी पीटर अपने नए आर्मर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर शुरुआत में पीटर के आर्मर काम नहीं करता और जिसको देखकर आतंकवादी उसके मजाक उड़ाता हुआ हंसने लगता है। पर एंडी एंड पीटर के आर्मर काम कर जाते हैं और वो वेबशूट अटैक करके उन तीनों आतंकवादियों को कैद कर देता है। और स्पाइडी नीट लीडलेस और उस पॉइजन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन तभी माइकल जॉन उन दोनों को बचा लेता है और वो उन दोनों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और फिर अपने पार्कर इंडस्ट्री में आकर पीटर पार्कर इंडस्ट्री पे वेपन बनाने का बैन लगा देता है। लेकिन पीटर के इस डिसाइड से मिस्टर ऑसबॉर्न काफी नाराज हो जाते हैं और वो पीटर को इसे बैन करने को मना कर देता है। पर पीटर उसके एक नहीं सुनते वो उसको बोलता है इस फैक्ट्री बैन होगा ही होगा और जिसके बाद वेपन बनाना फैक्ट्री बंद कर दिया जाता है। और फिर पीटर अपने आर्मर को मॉडिफाई करने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ नीट लीडलेस और माइकल जॉन आ जाते हैं और वो दोनों आज पीटर को लेकर बाहर घूमने जाना चाहता था। पर पीटर उनको साफ मना कर देता है कि मैं आज बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम पे जाऊंगा। माइकल भी उसे बोलता है ठीक है आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे पक्का जाना पड़ेगा और यह बोल के वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और पीटर भी फाइनली स्पाइडर मार्क टू आर्मर बना लेता है और अपने नया मार्क टू आर्मर को लेकर वो आतंकवादियों को पकड़ते हैं और देश में हुए क्राइम को रोकने लग जाते हैं। और पीटर को आप सब लोग स्पाइडर मैन नाम से जानने लगता है और उसके बारे में न्यूज़पेपर हर जगह पे चर्चा होती है। और ये बात जब मिस्टर ऑसबॉर्न को पता चलता है कि पीटर अब पार्कर इंडस्ट्री को छोड़ के देश बसाने में लग गई है तब वो चुपके से पार्कर इंडस्ट्री में जाके सारे वेपन को आतंकवादी में बेच देता है। और फिर वो पीटर के स्पाइडर आर्मर वाले प्रोजेक्ट को भी चुरा लेता है और वो कुछ साइंटिस्ट के मदद से खुद के लिए एक आर्मर भी बना लेता है और वो बन जाता है ग्रीन गोब्लिन। और फिर ये बात जब नीट लीडलेस और माइकल जॉन्स को पता चलता है तब ग्रीन गोब्लिन उन दोनों को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ पीटर अपने सूट को और भी ज्यादा मॉडिफाई करने लगता है और तभी उसको बर्गर खाने का मन जाते है और वो पार्कर इंडस्ट्री पे जाते है। लेकिन तभी ग्रीन गोब्लिन पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको देख के पीटर बोलता है कौन हो तुम। ग्रीन गोब्लिन हंसते हंसते बोलता है क्यूँ पहचाना नहीं। स्पाइडी बोलता है अबे साले गांडू पहचानते तो बोलता क्यूँ। और फिर ग्रीन गोब्लिन बोलता है पता तो तब चलेगी जब तू ये देखेगी और ये बोल के वो नीट लीडलेस और माइकल जॉन को दिखाता है और जिसको देखकर पीटर को काफी गुस्सा आ जाते है और वो अपने सूट को पहनकर ग्रीन गोब्लिन के ऊपर अटैक करने लग जाते है। और फिर उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है और इसी फाइट के बीच में ग्रीन गोब्लिन स्पाइडी को बोलता है तू भूल मत कि मेरे पास तेरा दोस्त है। और फिर स्पाइडी बोलता है उन दोनों को छोड़ दे और ये बोल के वो वेबसूट अटैक करके ग्रीन गोब्लिन के गाड़ी छीन लेता है और जिनसे ग्रीन गोब्लिन नीचे गिर जाते हैं। और फिर ग्रीन गोब्लिन बोलता है स्पाइडी तू मेरा शक्ल देखना चाहता है ना तो ये देख और ये बोल के वो अपने मुखौटा खोल देता है। और ग्रीन गोब्लिन के असली शक्ल देख के स्पाइडी सोच जाते है और बोलता है मिस्टर ऑसबॉर्न पर क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और स्पाइडी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से ग्रीन गोब्लिन के गाड़ी उस पर अटैक कर देता है लेकिन सही टाइम पे नीट लीडलेस उसको बसा लेता है और वो गाड़ी के अटैक सीधा ग्रीन गोब्लिन के ऊपर लग जाते हैं और जिनसे ग्रीन गोब्लिन नीचे गिर जाते हैं। और इसी तरह पीटर के दोस्त ने पीटर के जान बचा लेता है। और फिर उसके बाद वो तीनों बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर खाते हैं और स्पाइडी बोलता है क्यों ना हम एक सुपर हीरो का टीम क्रिएट करें। नीट लीडर्स बोलता है क्यों नहीं। माइकल जॉन्स बोलता है हाँ ग्रेट आइडिया। और फिर स्पाइडी सारी सुपर हीरोज को इकट्ठा करके एक टीम क्रिएट करता है और जिसका नाम देता है द एवेंजर्स। और इसी के साथ स्पाइडी के ये ओरिजिन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों,
दोस्तों स्पाइडी के ये ओरिजिन कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, अगर स्पाइडी के ये ओरिजिन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना।